A equal to 1, 2, 3, 2, 3, 4, order है आपका इसका, order है 3 cross 2, आपका B जो दिया गया है, B equal to 1, 2, 2, 1, 2 cross 2, आपको पता है बेटा कि multiply का possible होता है, A into B possible तभी होता है, जब A की number of column, B के number of row के equal होते हैं, तभी आपका A into B possible होता है, तो यहाँ पर आप देखिए number of column equal to number of row के हैं, तो A into B adjust करेगा आपका, but B into A adjust नहीं करेगा, क्योंकि B के number of column, A के number of row के बराबर नहीं है, इसलिए option number आपका C correct होगा. A B exists but B A does not exist. Question number आपका अल्फा दिया गया है 47 C 4 plus 51 C 3 plus 50 C 3 plus 49 C 3 plus 48 C 3 plus 47 C 3. इस तरीके से आपका दिया गया है यहां पे एक बेटा प्रॉपर्टी होती है आपको पता होगा NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR होता है या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NCR plus NCR plus 1 equal to N plus 1 CR plus 1 यहां पे हमारा NCR और NCR plus 1 ये हमारा दोनों से हट के क्या बन जाएगा बेटा आपका 48 C 4 N plus 1 CR plus 1 48 C 4 यहाँ पे NCR plus NCR plus 1 यह आपका हट के बन जाएगा आपका 49 C 4 NCR plus NCR 1 यह आपका हट के बन जाएगा 50 C 4 NCR plus NCR plus 1 यह आपका मिलके बन जाएगा बेटा 51 C 4 NCR plus NCR यह आपका मिलके बन जाएगा 52 C 4 N plus 1 N plus 1 ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट है यहां पर भी आपका देखेंगे इसके भी C ऑप्शन करेक्ट था इस वाले क्वेश्चन में भी आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है ठीक है बेटा व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ स्केलर प्रोजेक्शन की बात यहां पे करिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है बेटा पूछा गया है व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ स्केलर प्रोजेक्शन का फार्मूला होता है a डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b यहां पर आपका वेक्टर a दिया हुआ है i कैप माइनस 2a कैप प्लस k कैप वेक्टर b आपका दिया गया है 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप तो यहां पे आपका प्रोजेक्शन का फार्मूला होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b जब डॉट निकालेंगे तो बेटा 1 into 4 4 plus 8 plus 7 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b अंडर रूट 16 plus 16 plus 49 यह 8 7 15 4 19 अपॉन रूट 81 यह आपका दे देगा 19 अपॉन 9 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है b यहां पर b आपका ऑप्शन करेक्ट है 19 अपॉन 9 क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें बेटा आपको कुछ करना ही नहीं है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कह रहा है कि मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अगर दो साइड का हम स्क्वायर करते हैं बेटा यहां से तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b अगर यहां पर आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 होता है देन आपका मैग्नीट्यूड दिस वन इक्वल टू दिस वन होगा और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो बोथ वेक्टर आपके परपेंडिकुलर होंगे तो इसका सेकंड ऑप्शन आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है आपका
क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कह कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको तीन टाइप दिए गए हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो यहां पर बेटा हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आप देखेंगे कि माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तो आपको पता ही है बेटा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है, डॉट प्रोडक्ट आपका इक्वल देता है, तो ये पार्ट तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, यानी कि ये पार्ट जो आपका है ये करेक्ट दिया गया है, ये सही है। सेकेंड पार्ट आपका देखते हैं, सेकेंड पार्ट में आपका दिया गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर। ये तो बेटा डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही है आपकी, पढ़ाया और मैंने बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, और सेम वन प्रॉपर्टी आपकी आ गई है। डॉट प्रोडक्ट होता है आपका ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा, स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको होता है ए बी साइन थीटा, स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का आप कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या दे देता है बेटा 1, तो ए स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर। और आपको अभी बताया ए स्क्वायर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और बी स्क्वायर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो ये पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसका वन और ये तीसरा पार्ट था इसका, फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट है, सेकंड आपका रॉन्ग है। इसी तरीके से हम वेक्टर देखिए दूसरा भी बता देते हैं आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। अभी आपने बेटा देखा है कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है इक्वल इसके है, तो बेटा इसके इक्वल नहीं, तो ये पार्ट आपका गलत हो जाता है, इसमें पहला और तीसरा करेक्ट है। वेयर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर, आपसे क्या बोल रहा है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू आपकी 1 होती है, एंगल बिटवीन देम व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको देखो बेटा कितनी इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, आपका पहला दिया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बाय 4, दूसरा ऑप्शन है आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बाय 4, तीसरा ऑप्शन है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बाय 2, चौथा ऑप्शन है आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बाय 2। यहां पर बेटा हम थोड़ा सा इसको साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो हमें पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, cos थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहां से आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया 1 माइनस cos थीटा बाय 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इधर आएगा तो 1 माइनस cos थीटा बाय 2 दिस वन हुआ बेटा आपका 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 माइनस cos थीटा बाय 2 ये हो गया। इसी तरीके से हम ऑप्शन को एक एक करके चेक करेंगे, तो a प्लस b पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो ये देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसका मतलब है मैग्नीट्यूड a का b का स्क्वायर, इसका भी मतलब मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, और इनकी वैल्यू हमें 1 1 दी हुई है, ठीक है बेटा, तो ये 1 1 हमारे क्या होगा 2 अपॉन क्या दिया हुआ है 4, तो ये हमारा 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस cos थीटा बाय 4, 1 प्लस cos थीटा बाय 4 हमें चाहिए क्या, 2 से 2 काट दिया ये दे रहा 1 प्लस cos थीटा बाय 2, हमें चाहिए था 1 माइनस cos थीटा बाय 2, यानी कि ये ना करेक्ट हो के आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस का डिफरेंस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, दिस वन माइनस में यहां बस माइनस है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये दोनों ऑप्शन में ही अपॉन में 2 आ रहा है क्योंकि हमको 4 चाहिए तभी जो 2 से कैंसिल आउट होगा, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 1 - 2 प्लस
से पूछी गई है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, हम देखेंगे प्लस वाले हमारे एक साथ में लेंगे 135 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके एक साथ नंबर्स आएंगे बेटा जो कि हमारे 51 टर्म्स तक जाएंगे। और माइनस का साइन इधर लेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 अप टू 50 टर्म्स, 50 प्लस 51 101 टर्म्स हो गए आपके। इसमें एपी का सम लगा देंगे, एपी का सम आपके क्या होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, 50 इंटू डी, डी की वैल्यू है 2 माइनस इधर पे एन बाई टू 50 बाई 2 प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां से देखेंगे 52 जा 100 102 2 से काटेंगे तो क्वेश्चन ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा था 1 माइनस 2 दिस वन, ये आपका प्लस वाले टर्म्स एक साथ रख लिए, नेगेटिव वाले टर्म्स एक साथ रख लिए, ये बेटा ये आपकी एपी बन जाती है। एपी का सम करा देते हैं n / 2 2a + n - 1 * d, क्लियर बेटा। इसी तरीके से ये सेम फार्मूला इधर बना देते हैं आपका, ये आपका 51 बनता है 2 से, ये 52 जा 100 और 2 102 2 से डिवाइड करते हैं 51 51 51, यहां 49 98 और 4 102 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 51 बनेगा। तो इधर 50 51, यहां 51 कॉमन लिया 51 50 1, तो 51 आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ABCR subset of given set, then which one of the following relation is not correct? That's an important thing कि not correct जो equal नहीं हो, A union A intersection B बराबर A union B, ये पहला option दिया गया है और हम देखेंगे कि A union B आपका ये A है ये आपका B है, ठीक है बेटा। A intersection B ये वाला part हुआ, अगर A के साथ union लेते हैं तो हमारा A ही आएगा ना कि A intersection B, तो पहले ही गलत है और हमसे गलत वाला ही पूछा गया था, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन अगला है आपका दिया गया है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, जैसे आपका नेक्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी कंसिस्ट ऑफ 200 आइटम टर्म्स, इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द जीपी इज एन एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स ऑफ जीपी इज एन, देन व्हाट इज इट्स कॉमन रेशियो। देखो बेटा इसे कैसे शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, एक जीपी हम लोग मान लेंगे 200 टर्म्स हैं तो 2 की पावर 200 तक जाएगा, 200 टर्म है आपके, एक हमने जीपी मान ली, इवन टर्म का सम जो है वो एन के बराबर है, the sum of odd terms equal to m, तो ऐसे आपके 100 terms बेटा up to 100 terms तक इधर जाएगा, n आपका क्या हो जाएगा the sum of even terms, 100 terms इधर आ जाएंगे। अब इसमें जो हमने gp मानी है इसका common ratio क्या है, यहाँ पे इसका अगर common ratio देखेंगे तो 2 की power 2 upon 2 की power 1 निकाल देंगे, ऑप्शन में उठा के पुट कर देंगे, जो हमारा 2 देगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन दिया है अपॉन m, दूसरा ऑप्शन दिया है n अपॉन m, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है m + n अपॉन m और चौथा ऑप्शन दिया गया है n + m अपॉन n। अब यहां पे m की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा होता है a, a क्या है 2, a r की पावर, r कितना है हमारा 2, r की पावर n, n की वैल्यू है 100 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दिस वन आपका सम का फार्मूला होता है, फिर होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यहां पर बेटा जो r होगा वो 2 की पावर 2 होगा तो यहां 200 आएगा और यहां पे भी 2 की पावर 2 ही r होगा तो यहां 200 आएगा। और जब हम सॉल्व करेंगे हमको बेटा 2 चाहिए तो n डिवाइडेड बाय m करेंगे क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 ये वैल्यू तो सेम है डिवाइड
6, 2, यहाँ भी 2 आएगा, 3, 3, 6, 2, 3, 6, 4 क्या आएगा, 3, 2, 6, 4, 24, और ये आपका 6, 24, 120, अब आप देख रहे होंगे, अब आप डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम से एक कॉमन निकालते हैं, तो इससे 6 आ रहा है, इससे 2 जा रहा है, तो आपका 6, 2 बाहर में थे, 12 आता है, 1, 2, 6, इधर 2 गया, तो 1, 3, और 12 बचा, इसके बाद 6, तो 1, 20 बचा, यहां से अगर आप देखेंगे, तो 2 इधर से कॉमन निकल जाएगा आपका, तो यहां 3 बचेगा, यहां 6 बचेगा, और यहां पे 10 बचेगा, 24, अब यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका 1, 30 minus 24, 30 में 24 गया 6, minus 1 ये क्लोज, 10 दुनी 20, 4, 12, 20 में 12 गए 8, plus 1 ये क्लोज, 6 दुनी 12 और 3 त्रिका 9, 12 में 9 गए 3, 6, 3, 9 में 8 गया 1, 24, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 24, minus 60.
इसीलिए x plus 39 equal to 0, इसके m और n जो है वो root से PQRS inserted between m and n from at 80, then what is the value of p plus q plus r plus b plus q plus r plus s की आपसे value पूछी गई। ये आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 33 are 39, तो इसके जो बेटा root आएगा वो minus 13 minus 3, तो ये आपके minus 13 और minus 3 दे देंगे 13 और 3। इसके बीच में हमें आपको पता है n आपका बड़ा है, n आपका बड़ा है तो m की वैल्यू हो जाएगी 3 और n की वैल्यू हो जाएगी 13। तो m और n के बीच में आपको p q r s डालने, ठीक है बेटा, ये एक ap है तो a बराबर 3 हो जाएगा और a plus 5d बराबर आपका 13, तो a की वैल्यू 3 डालेंगे तो 5d बराबर 10, तो d बराबर 2। इस तरीके से आपका p आ जाएगा a plus d मतलब 3 plus 2 5, q आ जाएगा 8 plus 2d 7, r आपका आ जाएगा 9, s आपका आ जाएगा 11। आपको पता है ap है बेटा, तो आगे टर्म सीखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 5 plus 7 plus 9 plus 18 11 चलिए 11 और 19 साथ 27 5 32 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसका टोटल सम कितना आएगा आपका 32। क्वेश्चन नंबर है आपका 46, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपकी प्रॉपर्टी दी गई है AP की KA KB KC R in AP, आपसे कहा गया ABC अगर AP में है तो आपको पता है बेटा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराए बनने वाली नहीं जो सीरीज होगी वो भी आपकी AP में होगी, किसी नंबर से सबट्रैक्ट करते हैं तो बनने वाली जो नई सीरीज आती है वो भी आपकी AP में होती है, और किसी नंबर से हम डिवाइड कराते हैं तो भी बनने वाली जो नई सीरीज आती है वो आपकी AP में होती है। इस तरीके से ये तीनों 1 2 एंड 3 तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी। 1 भी सही है, 2 भी एंड 3 भी। अगर इसको समझना हो तो हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, हम 2 4 6 8 10 ले सकते हैं। अगर इसमें हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, मान लीजिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6 12 18 और 18 3 जा 24 और 30, 6 12 18 24 30, ये एक एपी है। इसके बाद अगर नई सीरीज भी हम देखते हैं कि 6 में हम घटा देते हैं, 6 में 2 घटाते हैं 4, 6 में 4 घटाते हैं 2, 6 में 6 घटाते हैं 0, 6 में 8 घटाते हैं -2 -4, बनने वाली नई सीरीज जो आती है वो भी एपी में आती है। अगर हम 6 से डिवाइड कराते हैं मान लीजिए तो हमारी जो सीरीज आएगी वो 1/3 और 2/3 और 1 और 8/3 4/3 कुछ इस तरीके से हमारी सीरीज आएगी, ये भी आपकी एपी में ही होगी। एस बराबर आपका दिया गया है 2 4 6 8 20, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट डज एस हैव? 2 2 का गैप दिया गया है तो इसमें एलिमेंट्स की जो संख्या होगी वो बेटा आपकी होगी 10। कितने होंगे एलिमेंट्स? 10। और आपको पता है कि जो सबसेट की संख्या होती है वो 2 की पावर n होती है, 2 की पावर 10 1024 1024 दी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ये इजी इजी क्वेश्चन है। सी डी सी सी डी डी सी सी डी डी एंड डी बाइनरी नंबर दिया गया है, सी ग्रेटर देन डी दिया, ऑब्वियस सी बात है सी 1 होगा डी आपका 0 होगा, तो ये आपका 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 बाइनरी। अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा तो हमें पता है कि ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 2 की पावर 11 प्लस 11 अगर इधर आएंगे तो 11 और इसमें क्या बचेगा 2 की पावर आपका 9 प्लस 2 की पावर 8 प्लस इसमें आपका 3 2 5, 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3। अगर इसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे 2 की पावर 11 की, तो ये 2048 प्लस 2 की पावर 9 512 प्लस 256 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8
8, ये आपका दे देगा बेटा 2872, कितना दे देगा 2872, ऐड कर लेंगे हम लोग इस सारे को, आपका आ जाएगा 2872। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन कॉसेक थीटा बराबर 29/21। आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता है 29/21 या आपका रेड 20 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आपने याद करेंगे 64 5 6 8 10 ऐसे 29/21 20 नहीं याद है पाइथागोरस थ्योरम बना रहे थे। ये क्या है आपको tan x square equal to perpendicular x square plus base x square, इसी से फाइंड आउट करके लिए हमसे पहले पूछी गई है 4 sec theta plus tan theta, तो sec theta आपका हो जाएगा hypotenuse upon base और tan हो जाएगा perpendicular upon base। तो यहां से 21 और 29 40 50 5/2 2 2s are 4 10 आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इस तरीके से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हमारा बॉडी स्टैंड 2 tan इनवर्स 1/3 से इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह पे आपको 1/9 है, tan से tan इनवर्स घट जाएगा 2/3 अपॉन 8/9 2 2s are 4 3 3s are 9 यह आपको हो जाएगा 3/4। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बड़े ध्यान से आप लोगों को देख रहा है। fx बराबर आपका दिया गया है x स्क्वायर, gx बराबर आपका दिया गया है tan x, और आपका hx बराबर दिया गया है ln x log x to the base e, नेचुरल लॉगरिथम होता है। आपका x बराबर दिया गया है √π/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h ऑफ g ऑफ fx, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है बेटा। तो सिंपल सा फंडा है, fx का क्या है x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो जी आप एक्स स्क्वायर क्या है टैन की जगह पर रख लेंगे, एक्स की जगह पर बेटा एक्स स्क्वायर रख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टैन एक्स स्क्वायर, फिर एच आप एक्स में रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एलएन। एलएन का मतलब बेटा होता है लॉग एक्स टू द बेस ई, तो एक्स की जगह पर हमारा टैन एक्स स्क्वायर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा टैन एक्स स्क्वायर। अब ऊपर एक्स बराबर दिया गया है √π/2, तो यहां पे हम लोग देखेंगे log x स्क्वायर की वैल्यू यहां से बता देंगे x स्क्वायर बराबर π/4 और tan का ट्रांसफॉर्म होता है log 1 की वैल्यू आपकी किसी भी बेस पे 0 होती है, तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी पे बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, वो है आपका 65। आपसे पूछा गया f log f log